भी ऐसे हैं कि आप दूसरी जगह हॉस्पिटल में, दूसरी जगह अगर आप चले जाएं तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो नीडीज पेशेंट के लिए ना बहुत सारी जो है कैंप्स चलाते हैं, कैंप करते रहते हैं। आप कुर्ला के हॉस्पिटल को उठा के देख लीजिए, कोई हॉस्पिटल कैंप नहीं करता यहाँ पे, कोई भी कैंप नहीं करता, जबकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल करते हैं, ये करना चाहिए इनको, क्योंकि उनको अवेयरनेस भी होती है और लोगों को अवेयरनेस होती है और हॉस्पिटल का बिजनेस भी एक्सपांड होता है, उसके एडवर्टाइजमेंट भी होती है। लेकिन यहाँ किसी को मतलब क्यों, क्योंकि ये पता है कि कुर्ला के लोग जो है आवाज नहीं उठाने वाले। आई एम रिपीट अगेन कि कुर्ला के लोग आवाज नहीं उठाने वाले। न्यू नूर हॉस्पिटल के डॉक्टर आसिफ खान और उनके तीन साथियों द्वारा मीडिया रिपोर्टर्स पर जानलेवा हमला किया गया। इस अस्पताल पर 11 महीने की बच्ची की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगा था, जिसके चलते मुंब्रा के पत्रकार अफजल शेख और उनके तीन साथी इस अस्पताल पर न्यूज कवर करने पहुंचे। इस बात से नाराज होकर डॉक्टरों ने इन पत्रकारों पर जानलेवा हमला कर दिया। कुर्ला वॉइस के इरशाद खान द्वारा की गई मेहनत से न्यू नूर हॉस्पिटल की लापरवाही का भंडाफोड़ तो किया और साथ ही साथ तीन पत्रकारों पर जानलेवा हमला करने के आरोप में डॉक्टर अजीम और हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर FIR रजिस्टर करवाई गई। क्या हुआ इसके बाद देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या हुआ दवाई अफजल भाई बताओ। इस पहले हम लोगों को रात में पीड़ित का फोन आया था कि एक 11 महीने की बच्ची है, उसे 4 घंटे से कोई एडमिट नहीं कर रहा, उसको माइनर रखा है। उसी बात को लेकर हम लोग ने कल 3 बजे रात में उसका इंटरव्यू वगैरह किया और विजुअल बना के लिए कर थे, और विजुअल बनाकर जैसे ही हम लोग बाहर निकले उस अभ्यास में 4-5 डॉक्टर थे, अभी लोगों का हम लोगों के डॉक्टर ही थे, लोगों ने हाथ में कड़ा था या पत्थर था, सीधा हम लोगों के ऊपर अटैक करने लगे। करने के लिए आया और जैसे अटैक किए तो मैं और हमारे साथ में जैन गए थे, तो हम लोगों ने बचाव किया कि आप लोग लेडीज के साथ बचाव नहीं करेंगे, क्योंकि लेडीज़ के हाथ में कैमरा था। फिर जैन भाई लेडीज़ को मुक्का मारे और जितना भी सब लोग जो भी 4 लोग थे ना वो सब लेडीज़ पर ही हावी हो गए। शायद उन लोगों को पता है कि हम लोग कहाँ से आए थे, तो गुजर भी रहता है ना हम लोग अभी, तो हाँ रोड पे हम लोग जा ही रहे थे, मैं बाइक लेने के लिए आगे बढ़ा तो उसने में इन दोनों को रोक के और हाथ में कैमरा था लेकिन आधा घंटा हो गया था। जैसे लेडीज पे हमला किया मैंने तुरंत जो है निर्भया शॉट को कॉल किया, लेकिन उसके आधे से एक घंटे में मारने वाले का नाम क्या? वो सब डॉक्टर ही है न्यू नूर हॉस्पिटल के। सामने पुलिस चौकी की बीट है, वहाँ से कोई नहीं आया था जी? कोई भी नहीं आया, क्योंकि 100 नंबर जैन भाई ने डाल किए थे और 103 मैंने खुद डाले। आप हाथ ऐसे लटका के क्यों रखे? मेरे यहाँ पर वो चढ़ के जो है राइट साइड से मुझे यहाँ पर बैठ के मेरे मुंह पे फाइट फाइट पत्थर से मार रहा था। कोई आपका कंधा सरक गया? जी पूरा माइनर फ्रैक्चर जो है पूरा। कहाँ पे हुआ ये मैटर? पूरा हुआ कहाँ पर? ये पूरा मैटर कहाँ पे हुआ? आपसे नूर हॉस्पिटल के बाहर। हाँ बराबर, एग्जैक्ट नूर हॉस्पिटल के बाहर। कुछ भी रहेगा वो फोन करो। एक मिनट अंदर कौन कौन बैठा? माउंट तो पढ़ना चाहिए हम लोग। अफजल है, उन लोग हैं अंदर अंदर बैठे हुए। इरशाद सर, जो रेशमा आपा के जो भतीजे हैं वो तो एक मेडिकल फील्ड से है और आप
एक एनजीओ चलाते हैं कुरला वॉइस करके, तो आपको क्या एक्सपीरियंस लगा एक पढ़े लिखे सिटी में और मतलब एक ऐसी जगह पे जहाँ पे जंगल नहीं है, डॉक्टर्स है, हर चीज़ फैसिलिटीज है, उसके बावजूद एक ऐसे शख्स के साथ में मतलब इस तरह का बिहेव होना? देखिए, मैं थोड़ा सा ताज्जुब में हूँ और थोड़ा सा मैं घबराया भी हूँ इस चीज़ को लेकर कि ये तो कुरला वॉइस मेडिकल टीम के पास ये मुद्दा आया और कुरला वॉइस मेडिकल टीम इसमें इन्वॉल्व हुई और सारी चीज़ें इसकी छानबीन की गई और ये मुद्दे को उभारा भी गया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कुरला के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और जिनको शायद कुछ भी नहीं पता हो कि हमारे साथ अगर गलत हो तो हमें करना क्या है। तो अगर उस तरीके के लोग ये हॉस्पिटल में आते होंगे तो मैं समझता हूँ वो सिवाय बलि के बकरे के अलावा कुछ बनते नहीं होंगे। ये जो आज जिस तरह से इनके साथ बिहेव हुआ, जो डॉक्टर हॉस्पिटल का जो नेचर रहा इस मैटर में, कैसे देखते हैं, क्या नज़रिए से देखेंगे? देखिए, हॉस्पिटल की जो सर्विस होती है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाते ही इसी के लिए है क्योंकि वहाँ सर्विस प्लस होकर मिलती है। अगर सर्विस ही नहीं है तो फिर ये जो यहाँ के कुरला के खासतौर के हॉस्पिटल में मैं समझता हूँ बहुत सारी कंप्लेंट आती रहती है किसी डॉक्टर के नाम से, कभी किसी के हॉस्पिटल के नाम से, कोई 2 बजे रात में फ़ोन करता है कि भाई पेशेंट है, उसको अटैक आया हुआ है, डॉक्टर आ नहीं रहा है, मुद्दे बहुत सारे आते रहते हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि ये इनकी सर्विस को हो क्या गया। हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है कि हॉस्पिटल का मतलब होता है कि दर्द और तकलीफ से आदमी वहाँ निजात पाने के लिए जाता है, मतलब कि वहाँ जाने के बाद आदमी सेहत याब हो जाए। लेकिन आज जो कुरला, स्पेशली कुरला के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, वो हॉस्पिटल नहीं रहे, वो पैसे बनाने की मशीन हो गई है। बिजनेस सेंटर डेफिनेटली बिजनेस, यू कॉल द बिजनेस सेंटर बिजनेस। हाँ, तो ये चीज़ जो है ना, अभी जैसे कि बच्चे के फादर ने बताया कि डॉक्टर एक डॉक्टर है, लेकिन जिस डॉक्टर के नाम पे एडमिशन हुआ बच्चे का, वो डॉक्टर नहीं आया, तो उस डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हाथ जोड़े कि उनको देख लो, तो वो डॉक्टर डिनाई कर रहा है कि नहीं, वो उनका पेशेंट है, मैं नहीं देखूंगा। तो चल क्या रहा है भाई, तुम डॉक्टर बने क्यों हो, पैसे कमाने के लिए या लोगों की जान बचाने के लिए? इरशाद सर, इधर पे कुरला में तकरीबन कितने हॉस्पिटल हैं? कुरला में मैं समझता हूँ 18 से 20 जो है हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर, या शायद उससे ज्यादा भी हो, 24 भी हो सकते हैं, छोटे बड़े मिला। हाँ, छोटे बड़े मिला के, लेकिन उसमें से कई हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जो अप्रूव्ड नहीं है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ महीने पहले ही RTI मारा गया था, तो उसमें यह मालूम पड़ा है कि कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं कि जो BMC अप्रूव्ड नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो अप्रूव्ड हैं, जैसे कि अगर नूर हॉस्पिटल की अगर हम बात कर ली जाए, तो नूर हॉस्पिटल जो है ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे है, और उसका आप जाके अभी लिफ्ट चेक कर लीजिए, अभी उसका लिफ्ट कोलैप्स है, बंद है टोटली। तो अगर इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो उसको गोद पे उठा के नैरो स्ट्रेस में ऊपर लेके जाना पड़ता है। तो हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है कि यू शुड प्रोवाइड द मैक्सिमम फैसिलिटी टू द पेशेंट, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो BMC ने उसे अप्रूव कैसे किया, वो भी मेरे समझ के बाहर। इसके लिए जिम्मेदारी किसको देंगे, BMC को या हेल्थ मिनिस्ट्री? देखिए, जो कंट्रोल होता है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको ही हम जो है मुलजिम ठहराएंगे। प्रशासन ही इसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर ही इसके अंदर कल्प्रिट है। वो प्रॉपर ऑडिट नहीं करते हैं। ऑडिट होनी चाहिए ना, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के ऑडिट होनी चाहिए कि उनके स्टाफ कैसे हैं, उनके स्टाफ के अंदर RMO उनके पास प्रॉपर डिग्री है या नहीं है, उनके डॉक्टर प्रॉपरली वो अपने टाइम पे आते हैं या नहीं आते हैं, वहाँ के पेशेंट को पकड़ कर जो है पूछना चाहिए कि वहाँ की सर्विस कैसी है, ये प्रशासन का काम है। कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए रूल्स और रेगुलेशनों से उनके लिए कुछ गाइडलाइंस ओपन की दी जाती है हॉस्पिटल चालू करने के लिए, उन गाइडलाइंस को इधर पे फॉलो किया जा रहा है, दिखा आपको? गाइडलाइंस सर, गाइडलाइंस तो बहुत बड़ी है। अगर हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशन देखे जाए तो अगर मैं उससे कट टू कट अगर मैं ऑडिट करने जाऊँ ना, तो मेरे ख्याल से कुरला का हर हॉस्पिटल उससे बाहर हो जाएगा कहीं ना कहीं, मतलब हर हॉस्पिटल बिल्कुल बाहर हो जाएगा। मतलब कोई लिमिट नहीं है ना, पैसे लेने की कोई लिमिट है ना। यहाँ के हॉस्पिटल भी ऐसे हैं कि आप दूसरी जगह अगर आप चले जाएं तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो नीडीज पेशेंट के लिए ना बहुत सारी जो है कैंप्स चलाते हैं, कैंप करते रहते हैं। आप कुरला के हॉस्पिटल को उठा के देख लीजिए, कोई हॉस्पिटल कैंप नहीं करता यहाँ पे, कोई भी कैंप नहीं करता, जबकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल करते हैं, ये करना चाहिए इनको, क्योंकि उनको अवेयरनेस भी होती है।